Edusolace education with peace of mind. Hello friends, my name is Rasika and I welcome you all to Edusolace, that is education with peace of mind. Friends, आज हम इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम का पार्ट टू पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट के बारे में। जो हमारा पार्ट वन था नेशनल इनकम का, जिसमें हमने जीडीपी के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज जीडीपी एंड व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले पार्ट वन देख कर आइए और फिर आइए इस पार्ट टू में। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एडुसोलेस। जब आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, अब ये दो कंट्रीज हैं, इंडिया और यूएस। अब इंडिया में आप ये देख रहे हो कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, लाइक बुक, कार, शर्ट, पेन एंड सिमिलरली कुछ लोग हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर है मेडिकल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कंसल्टेंट है कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, टीचर है वो एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं या फिर जो लोग भी हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनकी कुछ वैल्यू होती है जिसके लिए हम उन्हें पे करते हैं। जब हम कोई गुड्स बाजार से खरीदते हैं तो हम उसका पेमेंट करते हैं, या हम किसी से कोई सर्विस लेते हैं तो हम उसके लिए पे करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें किसमें ऐड हो जाती है, इंडिया की जीडीपी में ऐड हो जाती है। ये चीज हमने पार्ट वन में भी देखी थी। उसके आगे हमने क्या समझा था कि ये सपोज माइकल है जो यूएस से आए हैं बॉलीवुड में काम करने के लिए। अब माइकल यहाँ पर आकर कोरियोग्राफर बन गए, तो वो अपनी क्या डांसिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जब वो लोगों को डांस सिखा रहे हैं तो उनको उसके लिए पैसा दिया जाएगा। ओके, वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको रुपी के टर्म में इसके लिए कॉम्पनसेट किया जा रहा है। साथ में ये है मिस्टर जयकिशन जो इंडिया से यूएस आए हैं यूएस की सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने के लिए। अब वो यूएस में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए यूएस वाली कंपनी उनको पेमेंट करेगी इन टर्म्स ऑफ डॉलर। तो हमने क्या देखा था, जो माइकल जी इंडिया में रुपीस कमा रहे हैं तो क्योंकि वो सर्विस कहाँ दे रहे हैं, इंडिया में, तो इसलिए ये जो पैसा ये कमा रहे हैं सर्विस दे रहे हैं तो ये इंडिया की जीडीपी में ऐड हो गया था। और जय किशन जी क्योंकि अपनी सर्विस यूएस में दे रहे हैं और जो पैसा कमा रहे हैं वो यूएस की जीडीपी में ऐड हो गया था। बट आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जीडीपी नहीं, जीएनपी, जो कि उससे एक बड़ा टर्म है, दैट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो अब ये जो जीडीपी में ऐड हो गया था ये चीज अब जीडीपी से माइनस होगी तब हम नेशनल प्रोडक्ट पे पहुंच पाएंगे, क्योंकि माइकल जी ये जो रुपीस कमा रहे हैं वो अपने पास इंडिया में ही नहीं रखे रहेंगे, वो इसको भेज देंगे यूएस, वहां पे उनका घर परिवार है। और सिमिलरली जय किशन जी भी रेमिट कर देंगे इस पैसे को, यूएस से भेज देंगे इंडिया। तो यही होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, विच इज जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जीडीपी में हमने क्या किया था, ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो यहाँ के रेसिडेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, साथ में कोई फॉरेन नेशनल आकर यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उसको ऐड कर दिया था। बट जीडीपी में अगर हम इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ इसने पैसा भेज देता है और ये यहाँ भेज देता है इंडिया में, तो इसको ऐड करेंगे तो इसलिए हो जाएगा प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब जो बाहर से पैसा आया है इंडिया में, जो इंडियन नेशनल ने भेजा, वो ऐड हो जाएगा, और जो फॉरेन नेशनल इंडिया में रहकर उसने जो पैसा कमाया वो उसमें से माइनस हो जाएगा। तो जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो सिर्फ लोकेशन की बात नहीं करता है। जैसे जीडीपी में बात होती थी, कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस अगर इंडिया में बनाई जा रही है तो वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होती थी। चाहे कोई भी फॉरेन कंपनी अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आकर करती थी, सपोज एप्पल अपना आईफोन इंडिया में आकर बना रही है तो वो इंडिया की जीडीपी में काउंट करते थे। बट जीएनपी के केस में ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एप्पल क्या है, फॉरेन कंपनी है। सिमिलरली माइकल क्या है, फॉरेन इंडिविजुअल है। तो जो फॉरेन इंडिविजुअल या फॉरेन कंपनी जो पैसा अर्न करेगी वो जीएनपी से माइनस हो जाएगा, और जो इंडियन रेसिडेंट्स है, जो इंडियन नेशनल्स है, वो जो पैसा फॉरेन में अर्न करेंगे या फिर जो इंडियन कंपनीज फॉरेन में पैसा अर्न करेगी वो ही इंडिया में काउंट होगा। ओके, सो दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। चलिए जीएनपी की डेफिनेशन समझ लेते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट रिफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स एंड बिजनेसेस ऑफ ए कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन। इसमें जो ये मैंने हाईलाइट किया इसको बहुत ध्यान से देखिए,
अगेन इसमें फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, इसका मतलब हम इसमें इंटरमीडिएट गुड्स ऐड नहीं करेंगे। साथ में वो गुड्स किसने प्रोड्यूस करने चाहिए, इट शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द रेसिडेंट्स, वो इंडियन नेशनल्स और इंडियन कंपनीज होनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि वो गुड्स इंडिया में ही प्रोड्यूस हो रहे हैं कि नहीं। ओके, सो जीएनपी डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन इनकम अर्नड बाय द फॉरेन नेशनल्स इन द कंट्री और एनी प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फॉरेन कंपनी इन द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन द कंट्री। तो फ्रेंड्स यही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जीडीपी और जीएनपी में कि जीएनपी डज नॉट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। अब जीएनपी में देखिए क्या क्या आता है, एक एक करके हम समझते हैं। पहले तो आ गया प्राइवेट रेमिटेंस, जिसका एग्जांपल मैंने अभी दिया कि सपोज ये है अपना जय किशन जो अब रेमिटेंस अपना भेज रहा है इंडिया में। ये मैंने एरो इस तरफ इसलिए इसमें पॉइंट आउट किया है क्योंकि इंडिया को रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा मिलती है, इंडिया के लिए प्राइवेट रेमिटेंसेस का बहुत हैवी इनफ्लो होता है। अब ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट से आगे आप पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट, व्हाट इज प्राइवेट रेमिटेंस, सो इट इज नेट आउटकम ऑफ मनी इनफ्लोस एंड आउटफ्लोस ड्यू टू प्राइवेट ट्रांसफर्स। तो अगर इंडिया में कोई फॉरेन बंदा काम करेगा तो जो मनी अर्न करेगा वो अपनी कंट्री में भेज देगा, और अगर जो इंडियन नेशनल बाहर काम करता है और जो मनी अर्न करता है वो इंडिया भेज देता है, उसका हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, वो कहलाता है प्राइवेट रेमिटेंसेस। अब ये रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट थी ये माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, उसमें इंडिया ने टॉप किया है इन टर्म्स ऑफ रिसीविंग द रेमिटेंसेस। सो इंडिया हैज रिसीव्ड रेमिटेंसेस वर्थ रुपीज 89 बिलियन डॉलर इन 2021, 8% हायर देन 2020। तो इंडिया ने टॉप की थी ये लिस्ट, इंडिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस को फ्लो हुआ है। सेकेंड नंबर पर इसमें आती है मेक्सिको, जिसको 54 बिलियन डॉलर का रेमिटेंसेस इनकम हुआ है। साथ में थर्ड नंबर पे है चाइना, विच रिसीव्ड 53 बिलियन डॉलर लास्ट ईयर। रेमिटेंसेस टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज आर प्रिडिक्टेड टू राइज बाय 4.2% इन 2020, रीचिंग 630 बिलियन डॉलर्स। अब इसमें ये माना जा रहा है कि जो यूक्रेन में जो प्राइवेट रेमिटेंसेस होगा वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 20% इन 2022। और साथ में ये भी माना जा रहा है रेमिटेंसेस फ्लो टू द सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जहां पे सबसे ज्यादा पैसा रशिया से आता है वो बहुत ज्यादा गिर जाएगा ड्यू टू रशिया एंड यूक्रेन वॉर। तो इसके चलते किसी कंट्रीज में बढ़ जाएगा और किसी कंट्री में कम हो जाएगा, बट ओवरऑल यही माना जा रहा है कि जो रेमिटेंसेस फ्लो है टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज वो कम हो जाएंगे, बिकॉज देयर विल बी ओनली ग्रोथ ऑफ 4.2% इन 2022, और ये जो ग्रोथ थी इट वॉज अराउंड 8.6% इन 2021। ठीक है, अब आप अगर ये देखोगे कि इंडिया में इतना ज्यादा रेमिटेंसेस की वैल्यू इतनी क्यों इंक्रीज हुई, तो इसके पीछे दो रीजन है। पहले तो इसमें एक नॉर्मल वैल्यूएशन फैक्टर आ जाता है, फॉलिंग वैल्यू ऑफ रुपी अगेंस्ट डॉलर, क्योंकि रुपी की वैल्यू इधर में डेप्रिशिएट हुई है, तो ऑफकोर्स अगर आप करेंसी को, डॉलर करेंसी को जब आप रुपी में कन्वर्ट करोगे तो वही सेम अमाउंट में रुपी आपको ज्यादा मिलेगा, इसलिए रुपी की वैल्यू कम हो गई है। और दूसरा जो इसका मेन रीजन है वो है लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। ग्लोबली अगर हम लोग को $200 अगर सेंड करना है तो उसकी एवरेज कॉस्ट होती है 6%, बट इंडिया या किसी साउथ एशियन कंट्री में ये पैसा भेजने की कॉस्ट कम होके 4.3% हो जाती है। और सबसे ज्यादा कॉस्टली है ये सब सहारा अफ्रीकन रीजन में, दैट इज 7.8%। ये सब फैक्ट्स है जो कि रिपोर्ट में आए हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इसलिए इंडिया में बहुत ज्यादा रेमिटेंसेस की वैल्यू काफी हाई है, दो रीजंस, फॉलिंग वैल्यू ऑफ रुपी अगेंस्ट डॉलर एंड लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट। सेकेंड चीज जो इसमें ऐड होती है आपकी जीएनपी में वो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन्स। अब इसमें मैंने ये एरो इस तरफ इसलिए बनाया है क्योंकि इंडिया का ज्यादातर जो लोन्स का इंटरेस्ट है उसका आउटफ्लो ही होने को मिलता है, दिखता है, क्योंकि इंडिया ने हैवी लोन्स लेके रखे हैं अलग अदर कंट्रीज से, वो एक नेट बोरोवर रही है, इसलिए उसको काफी हैवी मात्रा में लोन का इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। सो इंटरेस्ट ऑन लोन इज अ नेट आउटकम ऑन फ्रंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स। द एक्सटर्नल डेट ड्यू इन 2022 अमाउंटेड टू 273 बिलियन डॉलर। इतना बड़ा डेट इंडिया पे ड्यू है इन 2022, तो आप समझ सकते हो उस पर कितना ज्यादा इंटरेस्ट पेमेंट इंडिया को करना पड़ेगा, इसलिए ये आउटफ्लो होगा इस मनी का। एंड कॉमर्शियल बोरोइंग्स फॉर्म द लार्जेस्ट चंक।
अब जो भी हमारी कॉमर्शियल कंपनीज है, कॉमर्शियल बोरोइंग्स है, वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट का पेमेंट वो करती है क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा हैवी लोन ले रखा होता है, फॉलोड बाय नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट्स। क्योंकि आप जैसे जानते हो इंडिया का रेपो रेट हाई रहता है इंडिया में, इसीलिए इंटरेस्ट रेट बहुत हाई रहता है। आपको अराउंड एफडी पे 6% 6.5% मिल जाता है, वहीं यूएस पे जो इंटरेस्ट रेट्स रहते हैं वो बहुत लो रहते हैं, 1% 1.2%। इसलिए बहुत से लोग अपना पैसा इंडिया में रखना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई है। तो सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट पेमेंट्स है वो कॉमर्शियल बोरोइंग्स के कारण, सेकेंडली एनआरआई डिपॉजिट, थर्ड फोर नंबर पे फिर आपका गवर्नमेंट बोरोइंग्स आ जाता है। गवर्नमेंट भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बोरोइंग करती है, लोन्स लेती है दूसरे नेशन से, यूएन बॉडी से, तो उनको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और थर्ड नंबर पे आता है आपका एक्सटर्नल ग्रांट्स। सो इट इज द नेट आउटकम ऑफ एक्सटर्नल ग्रांट्स और एड्स टू एंड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। इंडिया काफी ज्यादा ग्रांट्स लेती है फ्रॉम यूनाइटेड नेशन बॉडीज अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, और इंडिया एक क्योंकि डेवलपिंग और मॉडर्नाइजिंग इकोनॉमी है तो साथ में वो कुछ ग्रांट्स अपनी जो पुअर नेशंस है, जो उनकी नेबरिंग कंट्रीज है, उनको देती भी रहती है, उनकी हेल्प भी करती रहती है। लोन्स और ग्रांट्स में यही फर्क होता है कि लोन्स में आपको रीपेमेंट करनी पड़ती है इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट, बट ग्रांट्स में वो एक तरीके से चैरिटी हो जाती है या गिफ्ट हो जाता है जिसमें आपको रीपेमेंट नहीं करनी पड़ती है। तो इंडिया जीएनपी इज ऑलवेज लोअर देन जीडीपी। जब आप इन तीनों चीजों का, प्राइवेट रेमिटेंसेस, इंटरेस्ट पेमेंट्स और एक्सटर्नल ग्रांट्स का इनफ्लो और आउटफ्लो का जो आपका वैल्यू आता है, जब आप वो निकालते हो तो वो आप देखते हो नेगेटिव में आता है। तो इसलिए जीडीपी से हमेशा ही जीएनपी कम होता है, क्योंकि जो नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है वो हमेशा ही इंडिया के लिए कम होती है। इसलिए जीएनपी इज ऑलवेज लोअर देन जीडीपी बिकॉज देयर इज मोर ऑफ आउटफ्लो ऑफ मनी इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये दूसरा मेथड है कैलकुलेशन ऑफ जीडीएनपी। ये मेथड हमने जीडीपी के कैलकुलेशन में देखा था इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। तो चलिए इसको जीएनपी के टर्म्स में भी समझते हैं। इसमें जो पहला हेड आता है वो है कंज्यूमर स्पेंडिंग। तो हम और आप जो भी मार्केट में जाकर कुछ भी खरीदारी करते हैं अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, चाहे वो कपड़े हो गए, शुगर हो गई, सॉल्ट हो गई, तो वो सब हो गया कंज्यूमर स्पेंडिंग, जो हम बाजार में जाकर खरीद रहे हैं और इकोनॉमी में पैसा आ रहा है। सेकेंड हेड होता है इसमें इन्वेस्टमेंट्स, जो कि बिजनेस फर्म्स पैसा अपना लगाती है फॉर परचेसिंग रॉ मटेरियल्स, फिर कोई बिल्डिंग मशीनरी इक्विपमेंट्स परचेस करने के लिए वो इन्वेस्ट करती है पैसा, तो वो आ जाता है इन्वेस्टमेंट में। साथ में हमें गवर्नमेंट एक्सपेंसेस देखने को मिलते हैं फॉर पब्लिक वेलफेयर। गवर्नमेंट काफी ज्यादा एक्सपेंसेस करती है फॉर बिल्डिंग रोड्स, रेलवेज, साथ में कॉन्ट्रैक्टर्स रखती है, अकाउंटेंट्स रखती है, तो जो भी गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस होता है वो इस हेड में इंक्लूड हो जाता है। फोर्थ नंबर पे आपका आता है फॉरेन इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो जो आप एक्सपोर्ट्स करते हो वो ऐड हो जाता है और जो इंपोर्ट्स होता है वो इसमें से माइनस हो जाता है। और फिफ्थ इसमें ऐड हो जाता है नेट इनकम, दैट इज नेट फॉरेन इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो फिफ्थ हेड है ये जीडीपी में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये आया है जीएनपी में, क्योंकि इसमें ही आता है कि अगर फॉरेन नेशनल इंडिया में पैसा कमाता है तो वो माइनस हो जाता है, और अगर इंडियन नेशनल फॉरेन में पैसा कमाता है तो वो ऐड हो जाता है। सो जीएनपी इज सम ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग प्लस इन्वेस्टमेंट्स प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंसेस प्लस नेट एक्सपोर्ट्स प्लस जेड से नेट इनकम। आप इन सब चीजों को, सारे एक्सपेंसेस को ऐड कर दो तो आपका आ जाएगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये थी फ्रेंड्स ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करने का मेथड। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम अपना नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हमने अभी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट देख लिए हैं, अब हम देखेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, जो आपकी जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें से जब आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो आप आ जाओगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी गुड में वियर एंड टियर होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हर कोई भी आप इक्विपमेंट लाते हो बाजार से, कोई भी मशीनरी होती है, हम लोग का डेप्रिसिएशन का एक चार्ट आता है फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि ये रिलीज करती है। जैसे व्हीकल्स होती है उसमें डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, अगर उसमें व्हीकल्स पे सपोज डेप्रिसिएशन हो रहा है 15% का, आपकी बिल्डिंग्स पे 2% का या 5% का, मशीनरी में 15% का, तो ये कितने साल चलेगी, 7 साल या 8 साल चलेगी अगर 15% का है। तो इस तरीके से ये बताता है कि 7 साल बाद ये मशीनरी हमारी खराब हो जाएगी डेप्रिशिएट होके और हमें नई मशीनरी की आवश्यकता पड़ेगी।
तो ये भी जो भी ये टीयर एंड वियर होता है ये इसमें से माइनस हो जाता है, क्योंकि हर प्रोडक्ट की वैल्यू समय के साथ कम होती जाती है। तो जीडीपी में जब हम इन प्रोडक्ट्स का डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है एनडीपी। एंड इट इज नॉट यूज टू कंपेयर द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ डिफरेंट रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन सेट बाय डिफरेंट कंट्रीज। मैंने वही बोला कि हर कंट्री में अलग रेट सेट होते हैं डेप्रिसिएशन के वहां की इकोनॉमी के हिसाब से, इसलिए हम इसको कंपैरिजन के लिए एनडीपी का यूज नहीं करते हैं। वर्ल्ड बैंक भी जो कि कंपैरिजन करती है वो जीडीपी यूज करेगी, लेकिन एनडीपी के बेसिस पे नहीं बताती है कि कौन सी कंट्री कितनी रिच या पुअर है, किसमें कितना प्रोडक्शन हो रहा है, किसमें कितनी इकोनॉमी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि सब कंट्रीज अपने हिसाब से अपनी डेप्रिसिएशन वैल्यूज सेट करती है। और हमारे यहाँ ये कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आप डेप्रिसिएशन का इकोनॉमी में दो वेज में मीनिंग जान सकते हो, एक तो हो गया वियर एंड टीयर जो अभी मैंने बताया मशीनरीज में या व्हीकल्स में देखने को मिलता है, और दूसरा डेप्रिसिएशन का टर्म का यूज होता है हमारी इकोनॉमी में जो कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में होता है। इसमें आप देख सकते हो इसमें क्या दिख रहा है आपको इमेज से कि जो रुपी की वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो रही है और डॉलर है वो भारी है, इसलिए उसका पलड़ा भारी है। इसका मतलब दिस इमेज इज रिप्रेजेंटिंग फॉल इन अ वैल्यू ऑफ अ रूपी अगेंस्ट डॉलर, तो इसको भी क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है, जो आपने ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट समझा था अगेन उसी में ही डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे तो आपका आ जाएगा जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। सेकेंड फॉर्मूला इसको कैलकुलेट करने का क्या है, आप जीएनपी की जगह सीधे जीडीपी से भी काउंट कर सकते हो। अगर आपको जीडीपी पता है सो उसमें आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो, तो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर ऑफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, दिस इज नथिंग बट योर जीएनपी। तो आप वापस जीएनपी पे पहुंच जाओगे एंड माइनस डेप्रिसिएशन, तो आपको मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट। एंड दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम ऑफ नेशन। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम, सो यू हैव टू मेंशन नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसी एनएनपी को जब आप डिवाइड कर दोगे वहां की टोटल पॉपुलेशन से तो आपको मिल जाता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब एक पर्सन की ऑन एन एवरेज वहां पे क्या इनकम है, तो वो होता है पर कैपिटा इनकम। सो एनएनपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन गिव्स यू पर कैपिटा इनकम। तो फ्रेंड्स यही कॉन्सेप्ट होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट का। अब ये फाइनल चार्ट है जिसमें आप देख सकते हो कि कैसे हम ग्रॉस से नेट की तरफ जाते हैं, यानी जीडीपी से जीएनपी या एनडीपी से एनएनपी की तरफ। ग्रॉस से नेट जाने के लिए हमें क्या करना होता है, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना है। वहीं अगर हमें रिवर्स जाना है नेट से ग्रॉस तो हमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देना है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस अपने ऐड कर देने हैं और सब्सिडीज माइनस कर देने हैं। सिमिलरली अगर हमें मार्केट प्राइस से रिवर्सल फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है तो हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करके सब्सिडीज ऐड कर देनी है। सिमिलरली अगर हमें जीडीपी पता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और हमें नेशनल प्रोडक्ट पे जाना है तो हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देना है और नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो ये NFIA सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स ये जो आपको टेबल दिख रही है, इमेज दिख रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि कैसे ग्रॉस से नेट, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस या डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट होता है। यहाँ मैंने बहुत ही समराइज वे में दिखाया है। और ये है आज का हमारा क्वेश्चन। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ जीडीपी बाय पीपीपी, दैट इज परचेसिंग पावर पैरिटी बेसिस। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपने सेशन एंजॉय किया होगा, साथ में आपने बहुत कुछ इसमें सीखा भी होगा। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए फ्री में वीडियोस बनाते रहने का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।